नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार ट्रिपल तलाक के खिलाफ पैरवी करती रहती है। नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से ट्रिपल तलाक के खिलाफ बात की थी। अगर कोई हिंदू माँ के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर फैसला आने के बाद अब तीन तलाक पर मोदी सरकार इसी शीतकालीन सत्र में कानून बना सकती है। इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा जाएगा। सरकार द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ तीन तलाक यानी कि इंस्टेंट तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर कानूनी होगा। इस कानून के अनुसार जो भी तीन तलाक देगा उसको 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। मतलब इस कानून के आने के बाद से तीन तलाक देना गैर जमानती अपराध होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 1996 के शाबानो केस के बाद बना कानून तलाक के बाद के लिए था, जबकि इस नए कानून से सरकार तीन तलाक को रोकना चाहती है और पीड़ित महिलाओं को न्याय देना चाहती है। मोदी सरकार अगर इस कानून को पास कराने में कामयाब हो जाती है तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जिससे आने वाले चुनाव में भी फायदा होगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।